दोस्तों सब्सक्राइब करें ये एक्स मनाना यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अपने मोबाइल पर इस बेल आइकन पर क्लिक करें। दोस्तों स्वागत है आपका एक्स मनाना यूट्यूब चैनल में और आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कि वीवो Y30 जिसका CPU 1938 है और ये मॉडल कोई भी डोंगल में अनलॉक करना संभव नहीं है, लेकिन अनलॉक टूल में आप अनलॉक कर सकते हैं, लेकिन अनलॉक टूल में भी इसका मॉडल नंबर दिया हुआ नहीं है। ठीक है, तो मैंने काफ़ी ट्राई किया था, ठीक है, किसी और बोर्ड में तो ट्राई नहीं हुआ था, लेकिन ये वीवो Y30 वाले बोर्ड में मैंने ट्राई किया, तो इस मोबाइल को मैंने अनलॉक किया, लेकिन इसमें बहुत ही मतलब परिश्रम करना पड़ा हमको और तब जाकर ये अनलॉक हुआ। और कैसे अनलॉक हुआ इसमें आपको ये वीडियो पूरा अंत तक देखना पड़ेगा, तभी आप अनलॉक कर पाएंगे, नहीं तो आप ऐसे अनलॉक नहीं कर पाओगे इस मॉडल को। तो मोबाइल को सबसे पहले ऑफ करना है, ठीक है, और अटैच बाईपास यहाँ पे, ठीक है, अटैच बाईपास पे क्लिक करना है और एक बार में ये अनलॉक नहीं होगा, आपको दो बार मेहनत करना पड़ेगा इसमें। तो अटैच बाईपास पे क्लिक करके आप जो है मोबाइल को ऑफ करेंगे, वॉल्यूम प्लस माइनस दबा के केबल लगाएंगे, बूट करेगा, अटैच बाईपास ओके लिखेगा, उसके बाद आपको फॉर्मेट सेव फॉर्मेट जो है इस पर क्लिक करना होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार क्लिक करने से जो है आपका फॉर्मेट नहीं होगा पूरी तरह से और पिन और पैटर्न लॉक हटेगा नहीं, ठीक है। तो इस वीडियो में पूरा आपको दिखाने वाला हूँ किस तरह से आपको करना है और क्या क्या तरीका आपको इसमें जो है आजमाना है। तो सेव फॉर्मेट यहाँ पे हो गया, ठीक है, तो सेव फॉर्मेट जब हो जाएगा तो मोबाइल आपका जो है रिस्टार्ट हो जाएगा, लेकिन फिर भी जो आपका पिन लॉक या पैटर्न लॉक नहीं हटेगा। तो सेव फॉर्मेट जब कंप्लीट होगा तो यहाँ पे नीचे में आपको लिख रहा है, ठीक है, लिखेगा अभी यहाँ पे मैनुअली आपको जाना हो, यानी कि कहने का मतलब है आपको रिकवरी मोड में मोबाइल को ले जाना होगा। जब मोबाइल को आप रिकवरी मोड में लेके जाओगे तो ऑटोमेटिकली मोबाइल आपका फॉर्मेट हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपका पिन पैटर्न नहीं हटेगा, फिर भी पिन पैटर्न मांगेगा, ठीक है। उसके बाद मोबाइल को क्या करना है, आपको फिर से ऑफ करना है, ऑफ करने के बाद फिर से अटैच बाईपास पे क्लिक करना है और वॉल्यूम प्लस माइनस से आपको बूट कराना है। जैसे बूट करता है अटैच बाईपास ओके लिखता है, उसके बाद आपको फॉर्मेट डाटा पे यहाँ पे क्लिक कर देना है, उसके बाद ये आपका मोबाइल जो यहाँ से फॉर्मेट होगा। उसके बाद फिर FRP आ सकता है, गूगल अकाउंट आ सकता है, तो फॉर्मेट डाटा करने के बाद फिर आपको FRP निकालना पड़ेगा। तो फॉर्मेट डाटा भी कंप्लीट यहाँ पे हो रहा है, फॉर्मेट डाटा हो चुका है, यानी कि पिन पैटर्न आपका अब यहां से निकल गया। अब आपको FRP आएगा मोबाइल में, FRP आएगा, फिर से आप अटैच बाईपास पे क्लिक करोगे, मोबाइल को फिर से ऑफ करोगे, वॉल्यूम प्लस माइनस दबा के बूट कराओगे और उसके बाद इरेज FRP पे क्लिक करेंगे आप, तो FRP भी आपका निकल जाएगा। तो इतना तरीका आपको आजमाना पड़ेगा इस मॉडल पर, तब जाकर के आपका अनलॉक होगा, क्योंकि मैंने शुरू शुरू में पहले फॉर्मेट डाटा पे ट्राई किया था, नहीं हुआ था, मिस हो गया था बूट, बार बार मिसिंग हो रहा था, नहीं हो रहा था अनलॉक, तब जाकर के मैंने ये तरीका अपनाया, क्योंकि ये मॉडल नंबर उसमें दिया हुआ नहीं है, फिर भी मैंने ट्राई किया है इसमें और ये तरीका जो है कामयाब रहा। और ये किसी कस्टमर का मोबाइल था, उसके कंप्यूटर पे मैंने किया है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ, और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।